डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में भाभा यूनिवर्सिटी में होने वाले ऑनलाइन एग्ज़ाम का प्रोसेस हम लेकर आए हैं, जिससे कि आप एग्ज़ाम से पहले उस प्रोसेस से फेमिलियर हो सकें। सबसे पहले आपको भाभा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है, जिसका लिंक है bhabhayuniversity.edu.in। जब आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन का टैब ब्लिंक कर रहा है। इसी टैब पर आपको जाना है, यानी क्लिक करना है। ये टैब आपको लेकर जाएगा एक पेज पर, जिस पर के आपसे यूज़र आईडी और पासवर्ड की डिमांड की जाएगी, जो कि आपको डिपार्टमेंट से प्रोवाइड कराया गया है। इसमें आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करना है। हमने एक डमी यूज़र आईडी पासवर्ड आपको दिखाने के लिए लिया हुआ है। जैसे ही आप यूज़र आईडी पासवर्ड एंटर करेंगे, ये आपको आपके पोर्टल के अंदर लेके जाएगा, जहाँ पर डैशबोर्ड पर ही आप देखेंगे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम एक टैब है, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए दिया हुआ है। इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ऑनलाइन एग्ज़ाम का टैब क्लिक करते हैं, तो उसमें आपके जो डिटेल है, जैसे एनरोलमेंट नंबर है, आपका एनरोलमेंट नंबर है, नाम है, कोर्स है, ब्रांच है, और इसके अलावा सेमेस्टर, ये सारी चीज़ें शो हो रही हैं। जैसे ही आप इस सब चीज़ों को वेरीफाई कर लेंगे, उसके बाद आपको राइट साइड में एक शो एग्ज़ाम फॉर्म टैब है, उस पर क्लिक करना है, जिस पर आपका होने वाले एग्ज़ाम की अदर डिटेल, जैसे कि आपका सब्जेक्ट कोड, जिन सब्जेक्ट्स के लिए एग्ज़ाम होना है वो, पेपर का डेट कौन सा होगा, ये सारी चीज़ें मेंशन होंगी। इसके साथ ही आप देखेंगे कि आगे एक अलग सा टैब है, जिसमें कि आंसर बुकलेट लिखा हुआ है। इसके नीचे डाउनलोड्स है, यानी कि आपको एग्ज़ाम से एक या दो दिन पहले आंसर बुकलेट्स यहाँ से डाउनलोड करना है और उसका प्रिंटआउट निकाल लेना है। मैं यहाँ से आपको ये डाउनलोड करके आंसर बुकलेट का फॉर्मेट आपको ये बता दे रहा हूँ, मैंने डाउनलोड किया हुआ है, और यहाँ से आपको आंसर बुकलेट का फॉर्मेट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आंसर बुकलेट का आपको डाउनलोड करके इसका प्रिंटआउट निकालना है, क्योंकि इसी में आपको आंसर्स लिखने हैं। ये देखिए, ये आपकी आंसर शीट है। इसमें आपके लिए एनरोलमेंट नंबर पहले से रहेगा, आपका सब्जेक्ट जिसके लिए एग्ज़ाम होना है वो, आपका सेमेस्टर, सब्जेक्ट कोड, ये जिस एग्ज़ाम की डेट है वो डेट, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन रहेगी। यहाँ लिखा हुआ स्टार्ट राइटिंग फॉर आंसर फ्रॉम हियर, यानी कि यहाँ से आपको आंसर्स लिखना है। 20 पेज का ये आंसर शीट है, और हर एक आंसर शीट के नीचे इसके पेज लिखा हुआ है, page 1 of 20, यानी कि 20 में से पहला पेज था। इसी तरह से 20 पेजेस हैं। ये आपको डाउनलोड करके इसका प्रिंटआउट निकालना है, और इसके बाद में इसमें आंसर से आपको लिखना है। एग्ज़ाम वाले दिन और एग्ज़ाम के टाइम पर आपके लिए एक टैब होगा, जिसमें लिखा है क्वेश्चन पेपर। इसके नीचे देखिए डाउनलोड आ रहा है, यहाँ पर ये डाउनलोड जो है वो एनेबल हो जाएगा। बाकी के लिए देखिए आप कुछ नहीं है, सिर्फ इसके लिए है, यानी कि इसका टाइम, एग्ज़ाम का टाइम और डेट अभी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है डाउनलोड क्वेश्चन पेपर बिटवीन 10:15 to 11। इट मीन्स आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने का जो टाइम है, वो आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने के टाइम से 15 मिनट बिफोर है। यानी कि आपका अगर एग्ज़ाम 10:30 से है, यानी 10:30 से है, तो आपको 10:15 AM से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन पेपर जो लिंक है वो ये वाला अनेबल हो जाएगा एग्ज़ाम से 15 मिनट पहले। और कब तक रहेगा, इसमें लिखा हुआ है 11 AM, यानी कि आपके लिए एग्ज़ाम स्टार्ट होने से 15 मिनट पहले से लेकर के एग्ज़ाम स्टार्ट होने के आधे घंटे बाद तक आपके लिए ये लिंक एनेबल रहेगा, जिससे कि आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर राइट साइड में डाउनलोड क्वेश्चन पेपर के लिए एक टाइमर चल रहा है। इसमें आपका टाइम रहेगा कि कब तक आप ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर रहे हैं। देखिए मेरी वॉच में 10:15:05 AM है, यानी कि यहाँ कितना दिखा रहा है आपको, 4:38 बचा हुआ है। यानी कि जैसे ही ये 11 होगा, आपका ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड होने का लिंक यहाँ से क्लोज हो जाएगा, और ये टाइमर भी 00 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये टाइमर भी चलेगा, जो आपको ये बताएगा कि क्वेश्चन पेपर कब तक डाउनलोड किया जा सकता है। इसके अलावा
एक और है आंसर शीट जो है वो आप लिखेंगे इस, जैसे ही आपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लिया उसके बाद आप आंसर शीट लिखेंगे, और आंसर शीट को लिखने के बाद में इसका स्कैन करना है, पीडीएफ बनाना है, और इसको आपको फिर अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए कहाँ पर है, ये लिखा हुआ है अपलोड आंसर बुकलेट स्टेटस, ठीक, यानी कि पेंडिंग है अभी आपका। यहाँ पर आपको जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे पेंडिंग को, तो अभी चूंकि ये स्टेटस है, जैसे मैंने क्लिक किया तो वो नहीं करने दे रहा है, मैं यही बताना चाह रहा था, क्योंकि नीचे आप देखिए क्या आ रहा है, 3 मिनट्स हैं, 3 मिनट रिमेनिंग है, उसके बाद आंसर शीट जो है वो अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि टाइम यहाँ दिया रहेगा। यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं अपलोड आंसर बुकलेट बिटवीन 11 to 14, यानी कि क्वेश्चन पेपर का टाइम जैसे ही एंड होगा, आंसर बुकलेट का टाइम स्टार्ट हो जाएगा अपलोड करने के लिए। फिर इसके बाद यहाँ पर जैसे ही इस पेंडिंग पर आप करेंगे तो आपको एक ब्राउज के लिए आएगा और वहाँ पर आप इसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक। तो आंसर शीट जो है अपलोड करने के लिए आपको एग्ज़ाम फिनिश होने के या एग्ज़ाम का टाइम होने के बाद में 1/2 आवर और एक्स्ट्रा मिलेगा, जिसमें आप आंसर शीट अपलोड कर सकते हैं। ये आपका डेली का इसी तरह से आपका एग्ज़ाम होगा। जैसे आप देखते हैं पहला आपका सब्जेक्ट कोड था ये 501 के लिए, 5/3 को है पहला एग्ज़ाम, यानी कि दूसरा एग्ज़ाम आपका 9/3 को है। इस तरह से ये आपको एग्ज़ाम रहेंगे और सभी दिन आपको इसी तरह से यही प्रोसेस फॉलो करना है। इसी टाइम पर आपको क्वेश्चन बुक पेपर जो हो डाउनलोड करना है, और उसके बाद आपको लिखना है, उसके बाद आपको फिर आंसर शीट जो होंगी वो अपलोड करना है लिखने के बाद में विद इन टाइम में। ये आपका एग्ज़ाम के लिए प्रोसेस है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है या क्वेरी है तो आप अपने डिपार्टमेंट में कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेरे कमेंट बॉक्स में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, थैंक यू वेरी मच।